ऐसे तरीके से बताने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए, ठीक है। जब हमारे पास एक सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर हो जाता है तो सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं उनमें ग्लूकोज सबसे पहले साइटोसोल में जाता है और साइटोसोल में उसकी कुछ ब्रेकडाउन होती है। वो ब्रेकडाउन ऐसे होती है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था वो टूट के 2-3-3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग पाइरुवेट बोलते हैं। इस तोड़ने के अमल को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं और इस तोड़ने के अमल के दौरान हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या जीटीपी या एनएडीएच या एफएडीएच। अब एटीपी और जीटीपी तो याद रखें कि ये कैश है, कैश। जैसे कि आप बैंक जाएं और आप वहां पर चेक दें और वो आप लोगों को कैश में पैसे दे दे, ठीक है। और एनएडीएच और एफएडीएच ऐसे है कि कोई आपको चेक दे और आपको कहे कि आप इसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, ठीक है। यानी पैसे तो वो मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगे आपको, डायरेक्ट कैश नहीं मिल सकती। तो कुछ हमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान डायरेक्ट कैश मिल जाती है, एनर्जी के पैकेट्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीपी और जीटीपी। और जो पैसे हमें बैंक के थ्रू मिलेंगे, यानी बैंक कहाँ पे है, बैंक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ना, उस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नाम से एक प्रोसेस होगा, हम लोग उससे फिर अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गई बात। ये बीबीएस की क्लास नहीं है, आप शायद गलत क्लास में आ गए। सॉरी सर, आप बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो अभी तक हमारी कोई क्लास स्टार्ट नहीं है इसलिए सर। ठीक है, आप माइक ऑफ करके सुने, क्लास सुने। खैर, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर वो हो रही है, तो वो NADH और FADH वहां पर कैश होंगे और वहां से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये भी हमारे पास एनर्जी के पैकेट्स ही हैं, मगर इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो किसी दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर होती है एंड दैट ऑर्गेनेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इंटू 2 पीसेस एंड दैट 1 पीस इज कॉल्ड पाइरुवेट एंड दैट पाइरुवेट कंटेन 3 कार्बन्स। And during this glycolysis reaction, we have ultimately energy. And everything is for energy. Okay? Because why you eat is because you need energy. Okay? So, hum log zinda rehte hain, hum log khana khate hain zinda rehne ke liye. Baaz log hote hain jo khane ke liye zinda hote hain. Theek hai? लेकिन हम लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं क्योंकि हमें जो खाना खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी इन्हीं प्रोसेसेस के दौरान है जो कि मैं आप लोगों को एक पढ़ा चुका हूं और दूसरा मैंने उस दिन आप लोगों को ओवरव्यू दिया था, उस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल भी से बोलते हैं और इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब साइकिल इसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हेनरी क्रेब नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, क्योंकि मौजूद तो ये हमारी बॉडी में हजारों सालों से था लेकिन किसी एक साइंटिस्ट को अल्लाह पाक ने उसके इस दिमाग में डाला कि आप इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो आपको आप तक प्रोफेसर हेनरी क्रेब साहब ने ये साइकिल पेश किया
और उन्होंने ये सारे का सारा साइकिल जो था इसको हर एक पॉइंट पे देखा कि किस पॉइंट पे क्या रिलीज हो रहा है और क्या इंटर हो रहा है। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की तरह एनर्जी एक लाइन में प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि ये एक साइकिल में होगी, साइकिल चलेगा और वो साइकिल दोबारा भी चलता रहेगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, प्रोसेस को तो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे में खत्म हो जाना चाहिए, मगर ये साइकिल में क्यों बन रहा है? तो इसका जवाब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जमाने में एक होता था, साइकिल के आगे एक लाइट लगी होती थी और जब हम लोग पहिया चलाते थे तो वो आगे लाइट जलती थी, जब पहिया जलाना बंद कर देते थे तो लाइट भी बंद हो जाती थी। लाइकवाइज आजकल भी बाइक्स में, गाड़ियों में यही वाला सिस्टम है, जब तक पहिया चलेगा और चलता रहेगा उससे मुख्तलिफ चीजें चलेंगी, उससे आप लोगों के हेडलाइट्स भी चलेंगी, उससे आप लोगों के गाड़ी के अंदर म्यूजिक भी प्ले होगा, उससे आप लोगों की गाड़ी के अंदर एसी भी चलेगा, लेकिन अगर वो पहिया बंद हो जाएगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो एक्चुअली ये जो क्रेब्स साइकिल है ये भी एक साइकिल है, ये एक पहिया है जिसके चलने से एनर्जी और दूसरी चीजें पैदा होंगी। कौन सी दूसरी चीजें? मीन जो इंटरमीडिएट हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे इस क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये जो साइकिल था वो भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं और डिफरेंट जगह पे उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। ठीक हो गई बात? तो क्रेब्स साइकिल आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा अल्टीमेट जो वो है वो दो है, एक है एनर्जी प्रोडक्शन और एक है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, मेटाबोलाइट्स जिसे बोलते हैं। ये मेटाबोलाइट इसी साइकिल में से दरमियान दरमियान से निकल कर दूसरी जगह पे जाके अपने फंक्शंस कर सकते हैं, समझ आइए बात की, यानी बॉडी के अंदर दूसरे प्रोसेसेस को चलाने के लिए भी यहां से कुछ चीजें निकल के और वहां पर यूज होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो बीच में बनेंगे वो कहीं जाकर जहां पर जरूरत है वहां पर अपना काम करेंगे। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि इस हर प्रोसेस के दौरान, हर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सबस्ट्रेट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक एंजाइम होता है और एक हमारे पास एनर्जी की रिलीज होती है, या एनर्जी गेन होती है या एनर्जी रिलीज होती है। क्या फंक्शन है इस एंजाइम का? मुझे कोई ये बताए कि आया हमारी बॉडी में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम का रोल क्या होता है, ये एंजाइम क्या चीज है? कोई बंदा मुझे माइक ऑन करके एंजाइम की डेफिनेशन बताए। सर एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ये तो आप लोगों ने नर्सरी वाली बता दी ना मुझे बात, अब जरा मुझे मेडिकल कॉलेज में है ना आप लोग, तो थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन बताए ना। एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करता है, व्हाट डज इट मीन? आप बच्चे तो नहीं है, एंजाइम को समझे आप जो सर, जब एंजाइम सब्सट्रेट के साथ मिल जाते हैं तो ये एक प्रोडक्ट बना लेता है सर। फिर डिस्कशन में आए जी, क्लास वाले डिस्कशन में आए, जरा मुझे सारे बताएं कि एंजाइम क्या चीज है। आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, आप दोबारा बोलें, माइक को करीब कीजिए, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को आवाज आई हो तो जरा मुझे इनको बता दें कि क्या कह रही थी। सर कहते हैं कि बायोकैटलिस्ट है सर, और हम भी सर, और हम भी, हमको भी समझ नहीं आया सर। अच्छा बायोकैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट क्या चीज है? सर ये सब्सटेंस है जो इंक्रीज करती है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में।
जी आतिफ, जरा इसकी डेफिनेशन मुझे कर दें, क्या कह रही हैं? ये थे किटलेज एक सब्सटेंस है सर। सर किटलेज एक सब्सटेंस इट इंक्रीज द वेलोसिटी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओह गुड 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 गुड। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी आवाज सही करें, आपकी आवाज बंद है कहीं पे। अच्छा बच्चे, आप माइक को या सही पकड़ें या मोबाइल को अपने मुंह के पास लेकर जाएं। आप सही बोल रही हैं लेकिन मेरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। सर एंजाइम जो है ना, हां एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल एंड इट इज आल्सो प्रोटीन इन नेचर। आतिफ क्या कहा है बच्ची ने? एंजाइम इज कैटलेज व्हिच इज प्रोटीन इन नेचर सर। अच्छा, इसके आगे मुझे कुछ बताएं, छोड़े ना ये बातें, बस पुरानी हो गई ये बातें। सर इट इज एन एक्सेप्शन आरएनए एक्टिंग एज रिबोसोम राइबोसोम सर। सही है, इसके अलावा बताएं मुझे रोल ऑफ एंजाइम, बताएं मुझे नेचर ऑफ एंजाइम ना बताएं। एंजाइम की डेफिनेशन करें, भले ही गूगल कर लें, खैर है, लेकिन फिर मैं जो पूछूंगा मुझे उसका जवाब देंगी। खैर है, आप लोग सब के सब डिफाइन कर लें। सर ये है ना कि ये जो इसकी डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक होती है अपने एक्शन में। क्या दोबारा बोलें? सर एंजाइम की डेफिनेशन तो कुछ इस तरह है ना कि एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड आल्सो इट इज स्पेसिफिक एंड आल्सो इट इज स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ठीक है, चले ठीक है। आप अब थोड़ा सा खामोश हो जाएं, ठीक है? मुझे आपकी समझ आ गई है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। किसी और को बोलने देते हैं और दूसरी लड़कियों को जरा आप इनवाइट करें कि वो जरा आए और आके जरा सा इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें। खैर है, नकल कर सकते हैं आप लोग, आप लोग गूगल खोल के मुझे बता दें, कोई मसला नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस चीज को डिफाइन कर सके और मुझे सही बता सके। देखिए एक बच्ची ने और आतिफ अफजल ने, ये दो बंदे ही एक्टिव काम कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने के लिए आए, पार्टिसिपेट करें, घबराएं नहीं, ज्यादा से ज्यादा जवाब गलत ही हो जाएगा। अच्छा इस तरह से होता है कि ये देखें, ये एक चमन है, ठीक है? आप लोगों को इसके अंदर घास नजर आ रही है? ये घास नजर आ रही है ना, ठीक है? यस सर। अच्छा होता कुछ यूं है कि घास हो जाती है बड़ी, और मेरे वालिद साहब आते हैं और आके मुझे कहते हैं कि भई ये घास तो बहुत बड़ी हो गई है और आप मशीन लें और इस घास को काटना शुरू करें। तो मैं क्या करता हूँ कि मशीन लेता हूँ और इस घास को काटना शुरू कर देता हूँ, लेकिन गर्मी के दिन भी हैं, रमजान भी है, तो ऐसा होगा कि जब तक मेरे वालिद साहब मेरे सर पे खड़े हुए हैं ना, मैं तो बड़ा एक्टिवली ये मशीन चलाऊंगा, लेकिन जूं ही मेरे वालिद साहब मुझसे जरा सा दूर होंगे, अंदर कमरे में चले जाएंगे,